मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास क्लास 8 मैथ्स। और बेटा जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, वो थी आपकी एक्सरसाइज 4.4, 4.3, 4.2 और 4.1 हमने कंप्लीट कर लिए थे। सभी में 8-8 क्वेश्चन थे, जिसके लिए मैंने क्या कहा था, आपको क्या बेनिफिट दिया था कि 4 क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है और 4 क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना। लेकिन डायग्राम तो 8 के 8 में ही बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएं और खा लोगे, है ना। नहीं बेटा, सिर्फ 4 में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है और 4 में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 की, और 4.5 में देखिए क्या है, 2 एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है और 3 एंगल्स हमें गिवन है। अब तक प्रीवियस लेक्चर में जब 4.4 की बात की थी हमने, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था बहुत आसानी से, बहुत इजीली, कि 2 एंगल गिवन थे और 3 साइड गिवन थी। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, समझिएगा। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और आपका BC गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 साइड गिवन है। और एंगल कौन कौन से गिवन है, एंगल A इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 105 डिग्री और एंगल C इक्वल टू आपका D गिवन है 80 डिग्री। ये 3 एंगल और 2 साइड आपको गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, आप ज्योमेट्री बुक्स निकाल लीजिए, साथ में नोटबुक को रखिए, और जैसे जैसे आपका वीडियो चल रहा है वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप रफ स्केच बनाइए, रफ डायग्राम बनाइए, रफ स्केच यहाँ बना दीजिए, मान लीजिए बना दिया, बन गया रफ स्केच, ठीक है। तो देखिए साइड कौन कौन सी गिवन है और एंगल कौन कौन सी गिवन है, ए बी 5.6 ए और बी दोनों एंगल गिवन है, तो ए बी को तो बेस बना दीजिए और सी और डी, ठीक है मेरे बच्चे। रफ स्केच तो बना सकते हो ना इजीली से, ये कितना है 5.6 सेंटीमीटर और आपका BC कितना है 4 सेंटीमीटर, आपका एंगल है 50 और एंगल B है 105, एंगल D है 80 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए बनाते हैं फेयर डायग्राम। सबसे पहला काम AB इक्वल टू कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 5.6, तो AB इक्वल टू 5.6। निकालिए ज्योमेट्री बॉक्स, यूज द पेंसिल एंड स्केल, ड्रॉ कीजिए AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। और कंस्ट्रक्शन में पहली लाइन क्या लिखोगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब A पर कितना एंगल बनाना है रफ स्केच में, देखिए 50 डिग्री। अब आप कहोगे सर किससे बनाएं, चंदा मामा से या कंपास से, तो बेटा चंदा मामा से बना लो, 50 का यहाँ बन जाएगा, ऐसे बन गया 50 डिग्री, बन गया इजीली, ठीक है। अब आप आराम से देखिए आपको क्या करना है, समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। B पर कितना एंगल बनाना है, 105 का, चंदा मामा की हेल्प से बना लीजिए 105 का, ये बन गया 105 डिग्री का, बन गया। अब अपने कंपास को यहाँ रखिए और यहाँ से कितना कट लगाना है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक कट लगा दीजिए 4 सेंटीमीटर का, ये लगा दिया, इसको नाम दे दिया C, 4 सेंटीमीटर लगा दिया। अब मेरे बच्चे, अब समझने वाली बात ये है कि ना तो हमें ये साइड गिवन है, यहाँ पर एंगल गिवन है, तो कितने साइड पर 80 डिग्री का बनाना है हमें क्या पता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। देखो क्या, हमें 3 एंगल गिवन है, एंगल A, एंगल B, एंगल D, हमें एंगल C गिवन नहीं है, और तीनों का चारों का सम कितना होता है 360, तो एंगल A कितना है 50, एंगल B 105, एंगल D 80 और एंगल C हमें निकालना है, 360 के बराबर चारों होते हैं। तो आप क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए, ऐड कहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे रफ कॉपी में, 5 13 3 235, टोटल आपका हो गया 235 प्लस एंगल C बराबर 360, तो एंगल C बराबर 360 माइनस 235। जैसे ही माइनस करेंगे 360 में से 235 को, कितना बचेगा मेरे बच्चे, 125,
कितना बच रहा है 125 डिग्री। तो मतलब जो सी वाला एंगल बन रहा है आपका, यहाँ जो आप एंगल बनाओगे वो कितना बनेगा 125 का। तो रखो यहाँ चंदा मामा को उठा के लेके आओ, चंदा मामा यहाँ पर 90, तो ये सीधा हो गया 125 समथिंग यहाँ बन जाएगा। तो ये एंगल आपका आ गया 125 डिग्री। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब आप क्या करेंगे, चंदा मामा को यहाँ रखना डी पर और चेक करना कि ये कितना बनना चाहिए, ये 80 डिग्री बनना चाहिए। अगर किसी का 79, 78 या 81, 82 बन रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा डिफेक्ट चलता है, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड ABCD क्वाड्रिलेटरल। आगे बात समझ में, तो आराम से आपको ये सॉल्यूशन भी लिखना है, इसको लिख लीजिए। डन हो गया बेटा, नोट डाउन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बोलू मैं एक बार, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5.6, फिर आप क्या लिखेंगे, एज ए सेंटर ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड सिमिलरली ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट बी पॉइंट। देन आफ्टर सेकेंड हो गई, अब थर्ड में क्या लिखेंगे आप, थर्ड में ये वाला पोर्शन लिख लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ में आप लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 125 डिग्री विच इज ऑब्टेन बाई कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर 125 का बनाएंगे, तो जैसे ही जाके मिलेगा वहाँ पर, तो आप उसे डी पॉइंट नाम दे देंगे और आपका रिक्वायर्ड ABCD क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखिए अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है उसी को फॉलो करते हैं। देखिए बेटा, बेटा इसमें भी आपके 8 क्वेश्चन है 4.5 में, वही 4 में आपको कंस्ट्रक्शन करना है, 4 में नहीं करना, लेकिन फिगर तो 8 के 8 में बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सीधा, ठीक है बेटा। तो 8 को समझो क्या लिखा हुआ है, 8th में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD जहां आपको AB गिवन है, कितना गिवन है AB 3.5 सेंटीमीटर, जहां आपको BC गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल A गिवन है 75 डिग्री, एंगल बी गिवन है 105 डिग्री और एंगल सी गिवन है 120 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद बच्चे हुए क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले रफ स्केच बना लेते हैं, ये लीजिए रफ स्केच हो गया ABCD। AB कितना है 3.5 सेंटीमीटर, BC कितना है 6.5 सेंटीमीटर और एंगल ए कितना बन रहा है 75 डिग्री, एंगल बी कितना बन रहा है 105 डिग्री, एंगल सी कितना बन रहा है 120। अब चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले AB इक्वल टू ड्रॉ कर लीजिए, AB कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब ए पर कितना 75 की, किसकी हेल्प से, चंदा मामा प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लीजिए बेटा, समथिंग ऐसे बनेगा, बन गया सबका। मेरे वीडियो के साथ साथ बनाते जाओ, मैं टाइम दे रहा हूँ आराम से बनाने के लिए, ठीक है। अब बी पर कितना 105, तो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा 105, ठीक है। अब जब बन गया इतना, तो बी से अपर साइड में कितना कट लगाओगे 6.5 लगाओगे, तो आप 6.5 का कट लगाइए यहाँ से, तो कहाँ लगेगा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 6.5 का कट, जिसे नाम दे दिया सी, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सी पर कितना एंगल बनना है 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप लोग, तो बनाइए कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 120 डिग्री का ऐसे, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए डी। तो इस बार हमें एंगल गिवन था सी वाला, पिछले वाले में हमने सी फाइंड आउट किया था, यहाँ हमें सी गिवन है, डायरेक्टली एंगल बना दिया, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। आराम से इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू कितना 3.5, फिर ए को बी को आप सेंटर मानते हुए 75 और 105 का एंगल बनाएंगे, और सी पर कितना 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आ गई बात समझ में, तो आपकी ये 4.5 आज कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम 4.6 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आराम से रहो, घर रहो, सुरक्षित रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो।
थैंक यू सो मच बेटा।